अब की बार रोहित सरदार मुंबई इंडियंस चैंपियंस चौथी बार। Castrol Activ presents hashtag Aakashwani powered by total waterproofing expert Dr. Fixit. यार ये मुकाबला था, ये मतलब अनबिलीवेबल था, अ गेम वर्दी ऑफ अ फाइनल। सामने जब इस तरह की टीमें होती हैं ना, तो फिर मुकाबला भी कुछ अलग ही अंदाज का होता है। ये महामुकाबला था, 60 मैच मतलब 59 मैच लगे यहाँ आते आते, चौथी बार भिड़ी ये दोनों टीम्स, एक को मिली चौथी बार हार, दूसरे को मिली ट्रॉफी चौथी बार। कहानी रही मुंबई और सीएसके की कुछ इस प्रकार से, टॉस जीता, बैटिंग का किया फैसला और शुरुआत बहुत जबरदस्त थी, एक्चुअली कमाल की शुरुआत थी। क्विंटन डी को एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए, रोहित शर्मा ने भी एक छक्का जड़ा था शार्दुल ठाकुर को, लगा कि मैच बड़ी तेजी से जाएगा मुंबई इंडियंस के पक्ष में, लेकिन तेजी से यहां कुछ होता नहीं है काम, क्योंकि धोनी थे कप्तान, उन्होंने जैसे ही मिली क्विंटन डी की विकेट फट से लाए दीपक चाहर को और दीपक चाहर ने कर दिया रोहित शर्मा को आउट, और फिर गेम पलटा, फिर धीमा चला गेम आगे की तरफ, अंत में एक कैच भी छूटा, रायना से कैच छूटा, स्पिन गेंदबाजी बड़ी कमाल की रही, वो हमेशा रहती है, चाहे वो भज्जी हो चाहे वो इमरान ताहिर हो, और गेंदबाजों का इस्तेमाल बड़े अलग अंदाज में किया इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने। आखिरी में वो जो एक रायना से कैच छूटा उसके चलते कुछ 15-1 रन ऐड हो गए फालतू, और कायरन पोलार्ड अंत में चौके मारे, चौके छक्के, जबरदस्त पारी खेली कायरन पोलार्ड ने, और टोटल को ले गए एक ऐसे स्थान पर जहां से लड़ाई हो सकती थी। मैच विनिंग टोटल तो ये कहीं से नहीं था, 10-15 रन मुंबई इंडियंस डेफिनेटली शॉर्ट था, लेकिन वो एक बात हुई थी जो थोड़ी गुफ्तगू करने लायक है, वो क्या वाइड थी, मेरे विचार में वाइड थी जो अंपायर ने मिस की थी, वो जो कायरन पोलार्ड जब बैटिंग कर रहे थे, तो वो एक बात आपके जहन में रह जाएगी, थोड़ी सी पुअर अंपायरिंग। फिर जब आई चेज की बारी तो क्या ट्रेन की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह शुरुआत की फैफ डुप्लेसी ने, उनके साथ थे शेन वॉटसन जो धीरा चल रहे थे, लेकिन वो जो एक ओवर था फैफ डुप्लेसी भागे एकदम से कृणाल पंड्या के पीछे और फिर अंत में हो गए आउट। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि वहां मुझे लगा कि वो थोड़ी लंबी पारी खेल सकते थे, वहां पे थोड़ा सा वापस आने का मौका मिला मुंबई इंडियंस को, लेकिन शेन वॉटसन धीरे धीरे चलते रहे आगे की तरफ बढ़ते रहे, रायना आए और रायना गए, फिर रायडू आए और रायडू गए, कप्तानी भी कमाल की और गेंदबाजी भी कमाल की, क्योंकि राहुल चाहर ने आउट किया सुरेश रायना को और फिर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया अंबती रायडू को, और मैच में एक बार फिर जान फूंक दी गई कि भाई हो क्या रहा है इस मुकाबले में, मतलब ट्विस्ट अ मिनट, हर मिनट पे खेल बदल रहा था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए भी और रनआउट के रूप में आउट हुए भी, अब वो रनआउट था या नहीं था ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या बल्ले का कुछ भाग जो था वो क्रीज के दूसरी तरफ था, मुझे लगता है नहीं था, क्योंकि एक हमारे पास विजुअल्स बड़े क्लियर थे जो दिखा रहे थे कि बल्ले का कुछ भी भाग, इनफैक्ट आप वो जो लाइन होती है चुने की लाइन वो आप देख सकते थे, अगर वो दिख रही है तो इसका मतलब बैट क्रॉस नहीं किया है, तो वो मेरा गिव अवे था, लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट का सेक्शन आप भर सकते हैं। और वहां पर वैसे कैचें कितनी छूटी, शेन वॉटसन क्या मतलब खेले जरूर शमशेर वॉटसन बनके, लेकिन कैचेस बहुत छूट रही थी, लगा मैच छूट जाएगा मलिंगा का ओवर, लेकिन इन सब में कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर कौन थे, वो थे बूम बूम बूमराह, अनबिलीवेबल बूमराह, क्योंकि जब जब मैच दूर जाता था तब तब ये आके बैच को वापस घसीट के लाते थे, सामने वाला बॉलर फिर रन देता था और ये फिर वापस वही काम करते थे, चाहे वो कृणाल पंड्या का ओवर हो चाहे वो लासित मलिंगा का ओवर हो, आखिरी नहीं उससे पहले वाला जहां पे ऐसा लगा कि मैच चला जाएगा, लेकिन बूमराह वाज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन प्लेयर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, यस मोस्ट वैल्यूएबल, नहीं मानते बता दूं, मेरे को तो लगता है यही है। और आखिरी में क्या हुआ, शेन वॉटसन आउट हुए, जब शेन वॉटसन आउट हुए तो मैच में फिर ट्विस्ट आया आखिरी में, तो फिर लेकिन डॉक्टर फिक्सिट टोटल परफॉर्मर ऑफ द मैच कौन थे, वो थे शेन वॉटसन, क्योंकि वो कहते हैं कि जब फाइनल मुकाबला हो नॉकआउट मुकाबला हो, साउथ अफ्रीकन्स नाना, ऑस्ट्रेलियंस या ही वॉज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, पिछला फाइनल ये पारी चलिए जीत के काम नहीं आई, लेकिन ऐसा लगा कि मतलब जिंदगी कमान है और पीला रंग इसकी शान है, क्या खेला खिलाड़ी, और अंत तक ले जा सकता था, वहां पे लासित मलिंगा ने वापसी कर ली और अपने आप को रिडीम कर लिया, आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे उस पे आउट हुए शार्दुल ठाकुर, और सवाल यही आपके जहन में भी होगा, मेरे जहन में भी था कि हरभजन सिंह क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए दीपक चाहर, क्यों आए शार्दुल ठाकुर वहां पर, वी डोंट नो, रविंद्र जाडेजा दूसरे छोर पे रह गए, बाय मतलब थोड़ा सोचेंगे पलट के, बट देन दैट्स अबाउट इट। वैसे प्रिडिक्शन ठीक हो गई, तो प्रिडिक्शन का काउंटर इज नॉट टू बैड इन द एंड, मतलब ऐसा लगा था कि सब कुछ खराब रहेगा, लेकिन जो आखिरी हफ्ता था
वो मेरे हाथ में गया या मेरे हक में गया, थैंक यू वेरी मच। और हमने मजा बहुत किया पूरी आईपीएल में, 7 लाख से हम बस इतना सा ही दूर है, आज ही होपफुली हम पहुंच भी जाएंगे 7 लाख तक। और अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप डॉक्टर फिक्सिट लगाएं, बिल्कुल भी शॉर्टकट ना लें, और टोटल वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट, उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। और जाते जाते नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, प्यार बांटते चलो, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी चालू होने वाली है बॉस। कल मैं पिक करने वाला हूँ ये पूरे आईपीएल की आईपीएल 11, जिसमें चर्चा रहेगी, और उसके बाद हर टीम का होगा रिव्यू कि टीम कैसी लग रही है, प्रीव्यू रिव्यू मिलाकर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, मजा आएगा आकाशवाणी बिना अगला 1.5 महीना वर्ल्ड कप फाइनल तक बहुत होने वाला काम।